बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 14 अगस्त है। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम वाइट कोरमा बनाएंगे। चिकन की ज़रूरत है। सबसे पहले ये हमारे पास चिकन है 1 किलो, और ये प्याज है 2 से 3 अदद, ये हमने कद्दूकश किए हुए हैं। इसके बाद ये अदरक है और ये सब्ज़ मिर्च है। नाज़रीन, इसमें लहसुन नहीं डलता और ना सब लाल मिर्च और ना हल्दी वगैरह। और इसके बाद ये दही है तकरीबन 1.5 पाव, और ये करीम है 1 पाव तकरीबन 1 पैकेट, और ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च का ही सालन है, और ये थोड़ा सा हमने गर्म मसाला डाला हुआ है। इसके बाद हसबे ज़रूरत आप नमक ले सकते हैं। हमने 1 कप ऑयल लिया है। अब ये गर्म हो गया है, इसमें मैं प्याज डालने लगी हूँ। नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि इसमें जो हम प्याज डालते हैं ना, वो कद्दूकश होता है। इसको इतनी देर हमने फ्राई करना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। नाज़रीन, ये देखें, हम इसका पानी प्याज का बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब ये फ्राई होगा तकरीबन 5-6 मिनट। ये अदरक है और ये सब मिर्च। नाज़रीन, अदरक और सब मिर्च का पेस्ट डाला है। ये तकरीबन 2-3 मिनट इसको हम इसके बनाए करेंगे इसके साथ।
अब मैंने ये काली मिर्च, ये नमक है, ये गरम मसाला है थोड़ा सा, ये ऐड कर रही हूँ। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी। दही हमने विस्क के साथ अच्छी तरह फेंट लिया था। इसमें हमने एक कप पानी डाला है। तकरीबन 25 मिनट ये हल्की आंच पे रहेगी ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। इन हमारे चिकन को उबाल आ गया है। अब हम 25 मिनट तकरीबन इसको गलने के लिए हल्की आंच पे रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ये 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब देखिए इसकी शक्ल माशाल्लाह कितनी प्यारी है। 5 मिनट और इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर क्रीम ऐड करेंगे। नाजरीन हमारे 25 मिनट जो कंप्लीट हुए, अब हम इसमें ये क्रीम डालने लगे। इसकी आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है चूल्हे की, तो फिर इसमें डालें। नाजरीन आंच इसकी हल्की रखनी है और फिर इसमें क्रीम डालें। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद हमारा व्हाइट कोरमा जो है वो तैयार है। नाजरीन हमारा व्हाइट कोरमा तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। नाजरीन ये है हमारी आज की रेसिपी चिकन वाइट। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।